So let's talk about the Bohr's atomic model, right? This Bohr's atomic model was given for which atom? It was given for hydrogen atom. कौन सा थ्योरी यूज किया था बच्चों? इट वॉज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटाइजेशन, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, राइट? प्लैंक का थ्योरी था कि एनर्जी किस फॉर्म में होता है, क्वांटम के फॉर्म में होता है या पैकेट के फॉर्म में होता है. दैट थ्योरी वॉज यूज बाय नील बोहर. चलिए बात करेंगे बच्चों पोस्टुलेट्स का वापस फटाफट. राइट, तो रुदरफोर्ड ऐसा कहा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. राइट, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का. वहां से पता चला कि एटम के आजू बाजू कुछ एनर्जी के लेवल्स होते हैं. राइट, तो पहले पोस्टुलेट में नील बोहर ने यही बात किया था. ऑर्बिट, ऑर्बिट को एक और नाम दिया गया था. कौन सा नाम दिया गया था बच्चों ऑर्बिट को? स्टेशनरी स्टेट. क्या नाम दिया गया था ऑर्बिट को? दूसरा, स्टेशनरी स्टेट. राइट, स्टेशनरी स्टेट मतलब वो ऑर्बिट जिसका क्या क्या फिक्स होता है बच्चों? रेडियस एंड एनर्जी फिक्स होता है. राइट, व्हाट डू दे हैव? द रेडियस एंड एनर्जी फिक्स. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. राइट, तो इलेक्ट्रॉन खाली वही ऑर्बिट में घूमेगा जिसका रेडियस एंड एनर्जी कैसा रहता है? फिक्स रहता है. राइट, चलिए बच्चों दूसरा पॉइंट था आपका कि स्टेशनरी स्टेट में घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, पर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जा सकता है बाय एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी. ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों आपका हाइपोथेसिस में कि इलेक्ट्रॉन डस नॉट कैन राइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट रिमेन कॉन्स्टेंट. राइट, कैसा रहेगा तो एनर्जी है बच्चों वो कॉन्स्टेंट रहेगा. और क्या कहा था बच्चों के इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अदर, वन स्टेशनरी स्टेट टू अदर बाय एमिटिंग और एब्सॉर्बिंग द एनर्जी. कितना एनर्जी? इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट. राइट, तो दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट या एब्जॉर्ब करके एक में से दूसरे में जा सकता है. राइट, चलिए बच्चे इसके बाद का जो आपका तीसरा पोस्टुलेट था वो था कि अगर लोअर एनर्जी लेवल V1 है, हायर एनर्जी लेवल V2 है. राइट, तो इलेक्ट्रॉन को जब लो लेवल में से हाई लेवल में जाना है तो उसको रेडिएशन एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और जो रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा उसका फ्रीक्वेंसी f कितना होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों एनर्जी डिफरेंस डिवाइड बाई h. था ये फॉर्मूला, कितना फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों? एनर्जी डिफरेंस माई डिवाइड बाई एच. यार था कि नहीं था ये फॉर्मूला, याद है सबको? ओके, अगर इलेक्ट्रॉन को जो हाई लेवल से लो लेवल में आना है तो उसको वही फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन वापस एमिट करना पड़ेगा. ओके, चलिए बच्चों ये आपका तीसरा पोस्टुलेट था. और चौथा पोस्टुलेट था आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज. राइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज. राइट, ओके, क्वांटाइज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहे, क्वांटाइज रहे. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr, दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल n कैन ऑलवेज बी 1 2 3 4. मतलब एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है और कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है. यस और नो? यहां तक हमारी बात हुई थी कि नहीं हुई थी बताओ? चलो ओके, तो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, सब हमने कल किया था. चलिए बच्चों आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड फैक्ट सीखेंगे बोहर मॉडल के बारे में.
पोस्टुलेट पूछा जाए एग्जाम में तो आपको इतना ही लिखना है खाली, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूला आएंगे जो हमें आप सीखना है, राइट। एंड देन वी विल सी द लिमिटेशन ऑफ द बोहर मॉडल और फिर उसके दो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर खेल ही खत्म हो जाएगा पूरा, ओके। चलिए बच्चों, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूला ऑफ बोहर मॉडल। आई विल राइट हियर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलास ऑफ बोहर मॉडल, राइट। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों कि बोहर ने जो कहा था ना स्टेशनरी स्टेट, उस स्टेशनरी स्टेट को नंबर दिया जाता है बच्चों 1, 2, 3, 4 और उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों से हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, राइट। सो आई विल राइट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स और यू कैन कॉल ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय, the stationary states or orbits are denoted by number n equal to 1, 2, 3, 4 and so on and it is called as principal quantum number. They all numbers are called as principal quantum number, principal quantum number, right. तो पहले ऑर्बिट को n इक्वल टू 1 कहते हैं, दूसरे को n इक्वल टू 2 कहते हैं, एंड देन n इज व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है बच्चों? ये n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ओके। चलिए सेकंड पॉइंट बात करेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ n ऑर्बिट, रेडियस ऑफ n ऑर्बिट इज इक्वल टू r 0 * n स्क्वायर। रेडियस ऑफ n ऑर्बिट कितना होता है बच्चों? r 0 * n स्क्वायर, वेयर योर वैल्यू ऑफ r 0 इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। पिको का मतलब कितना होता है बच्चों? 10 पावर -12 मीटर, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है ना वो r 0 है, ओके, एंड देन r 0 इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। क्या बच्चों? आपका r 0 जो है वो 52.9 पिकोमीटर वैल्यू है, राइट। और इसे कहते हैं बच्चों हम बोहर ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसको हम? बोहर ऑर्बिट के नाम से भी बुलाते हैं, ओके। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, n की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका r 0 * 2 स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स r 0। तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा बच्चों? 4 टाइम r 0 होगा। अगर आपको कहे रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, क्या करोगे? r 0 * 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 टाइम्स r 0, राइट। तो अगर आपको nth ऑर्बिट कहा है तो वो nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है बच्चों? r 0 * n स्क्वायर, कितना होता है वो? r 0 * n स्क्वायर। क्लियर ये पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्लियर बच्चों आपको? ये फॉर्मूला कहां से आया अभी आपको बोधल नहीं करना है, वो सब आपका आने वाला है बच्चों ऑलरेडी इन फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड, जहां पे एटम का चैप्टर है वहां पे आप ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखोगे। अभी आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है कि nth ऑर्बिट का रेडियस होता है r 0 * n स्क्वायर, r 0 है आपका 52.9 पिकोमीटर, जो पहले ऑर्बिट का रेडियस है, ओके। क्लियर आपको बच्चों इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, यहां से एक और बात आपको ये सीखना है कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर से दूर होता जाएगा, राइट। पहले ऑर्बिट के कंपेयर में दूसरा ऑर्बिट बड़ा होगा, दूसरे के कंपेयर में तीसरा और बड़ा होगा, चौथा और बड़ा होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा? धीरे 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 न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर ये पॉइंट सबको? ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है दैट इज एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। हमने ऐसा कहा था ना कि स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है, कितना होता है वो फिक्स एनर्जी, वो बोहर ने कैलकुलेट करके बताया था कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज माइनस आर एच डिवाइड बाई एन स्क्वायर जूल। कितना होता है बच्चों? एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट, एंथ ऑर्बिट में रहे हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है बच्चों माइनस आर एच डिवाइड बाई एन स्क्वायर जूल, राइट। व्हाट इज आर एच? आर एच इज योर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन, आर एच इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, और वैल्यू
वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 जूल कितना लेना है बच्चों आपको आरएच का वैल्यू रेट बाग कांस्टेंट का वैल्यू लेना है आपको 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 जूल इसका मतलब है कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल राइट ओके तो अगर मैं कहूं एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आई पुट e n इक्वल टू 1 आई पुट n इक्वल टू 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 जूल n इक्वल टू 1 रखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है राइट इफ आई आस्क यू एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू माइनस 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइड बाय n की जगह 2 रखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4 जूल इफ आई आस्क यू एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 3 के अगर हम यहां पर रखेंगे 3 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 जूल राइट अभी यही फार्मूला बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में भी होता है किस यूनिट में होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां पे ये जूल में है अगर ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होता है माइनस 13.65 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपका फॉर्मूला या क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एनर्जी कितना होता है बच्चों माइनस 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इट क्लियर अब आपको एक ऑब्वियस सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्यों है क्या आपको ये सवाल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव क्यों है हो रहा है ये सवाल होना भी चाहिए बिकॉज इट इज अज्यूम दैट कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस से जब दूर है इलेक्ट्रॉन तब उसकी एनर्जी कैसी है जीरो है वो भाई बिंदास घूम रहा है इधर उधर कहीं भी घूम सकता है बट जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास में आएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहा था ना उसको अपनी एनर्जी को छोड़ के आना पड़ेगा तभी जाके वो स्टेबल रह सकता है आप लोग ही सिंपल सोचो आप जब रस्ते में से ट्यूशन आते हो राइट या स्कूल आते हो ना तो आप इधर उधर घूमते घूमते आते हो बट जैसे ही आप स्कूल में आए तो क्या करना पड़ेगा आपको आपकी सारी एनर्जी एमिट कर देनी पड़ेगी और चुपचाप बैठ जाना पड़ेगा बिकॉज टीचर खड़ा है सामने यस और नो मतलब आपकी एनर्जी कैसी हो गई नेगेटिव हो गई समझ आया बच्चों आपको राइट एंड दैट इज वाई जब भी इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट में होगा तो वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है एंड दैट इज वाई एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव इज दैट क्लियर एवरीवन क्यों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव लिया है वो ओके चलो बच्चों कॉपी करो फटाफट इसको राइट हियर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लेवल में है तब उसका एनर्जी कितना होता है इट हैज जीरो एनर्जी और जैसे ही वो न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट तो नहीं कह सकते इन्फ्लुएंस में आएगा इट हैज टू रिलीज द एनर्जी राइट हियर एज इलेक्ट्रॉन कम्स नियर न्यूक्लियस It has to release energy, hence its energy decrease, and that is why energy of electron is negative. Energy of electron is negative. Okay. आगे बढ़ते हैं बच्चों चौथा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मैं कहूंगा आपको और चौथा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर है ना दैट इज के बोहर का मॉडल खाली हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड है ये बात गलत है बोहर मॉडल इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द स्पीसीज हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो बोहर मॉडल वैलिड है बराबर अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ देन बोहर मॉडल विल फेल So I will write here Bohr model of an atom is applicable to single electron species. बच्चा लोग कौन कौन सा single electron species है एक तो hydrogen
जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। फिर हीलियम, बच्चा लोग हीलियम में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, पर दो में से एक को निकाल दिया तो बचा गया He+ और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। हाँ के ना। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 2 होता है। Z इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 2। हमारा ये एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक अभी बाकी है डिस्कशन करना, मुझे याद दिलाना। जितनी बार एटॉमिक नंबर आता है ना, मुझे याद आता है ये टॉपिक तो हमारा बाकी रह गया है। ओके चलिए, तीसरा जो है बच्चों बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? नहीं, पहले लिथियम ले लेते हैं। चलो ओके, बेरिलियम। बच्चा लोग लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। मतलब क्या है बच्चों के जो लिथियम है ना, राइट, जो आपका लिथियम है वो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो कितना बचा? कितना बचा? एक ही बचा ना। तो लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2 आ जाएगा। यस और नो? ओके, सिमिलरली अगर बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बेरिलियम प्लस भी, उसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बराबर, मतलब ये सबके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए बोहर मॉडल जो है वो वैलिड है। यू कैन अप्लाई बोहर मॉडल फॉर ऑल दिस बिकॉज दे ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो आपको फॉर्मूला में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। अगर ये जेड अगर चेंज हो रहा है, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेंटर में कितने प्रोटॉन है, सबके लिए सेंटर में प्रोटॉन अलग अलग है, इसके लिए एक ही प्रोटॉन है सेंटर में, इसके लिए 2 प्रोटॉन है, इसके लिए 3 प्रोटॉन है, इसके लिए 4 प्रोटॉन है, राइट? ओके चलिए, तो अब आप बताइए कि फॉर्मूला में आप क्या मॉडिफिकेशन कराओगे सर के पास? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चा, आपका छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करना है फॉर्मूला में। पहला मॉडिफिकेशन है, बोहर ने कहा था रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट इज इक्वल टू, ध्यान दे दो यहां पे, पहले लिखना बाकी रह गया भैया, रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट इज इक्वल टू, हमने अभी ऐसा बराबर 52.9 n² पढ़ा ही नहीं पढ़ा ऐसा पिकोमीटर में। अब अगर इनमें से कोई स्पीसीज है तो आपको नीचे जेड कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? नीचे जेड कर देना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर बच्चों एटॉमिक एटॉमिक नंबर बढ़ा, मतलब अगर सेंटर में प्रोटॉन बढ़े, सेंटर में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास खींचेंगे, अगर सेंटर में प्रोटॉन बढ़े तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचेंगे ना। मतलब रेडियस कैसा हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जितना ज्यादा जेड है, उतने ज्यादा प्रोटॉन है, उतना सेंटर खींचेगा और रेडियस छोटा हो जाएगा। चलिए एनर्जी के फॉर्मूला में क्या मॉडिफिकेशन करें? तो इट इज -RH/n², ऐसा पढ़ा आपने? ऐसा पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा आपने एनर्जी का फॉर्मूला? पढ़ा ना। तो अभी अगर इसमें से कोई और स्पीसीज है हाइड्रोजन के सिवाय, तो आपको यहां डाल देना है ऊपर Z², जूल में। क्या करना है? आपको ऊपर Z² डाल देना है जूल में, राइट? क्योंकि जितने ज्यादा सेंटर में प्रोटॉन होंगे ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। अगर क्लासरूम में एक टीचर हो और उसकी जगह 4 टीचर हो तो किस पे ज्यादा इफेक्टिवनेस रहता है? 4 टीचर होंगे ना तो बच्चे चूम के चा नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हो, है कि नहीं? मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी छोड़ देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी उतना ज्यादा नेगेटिव 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 होता जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको? आगे ना। ओके चलो, तो फिर अभी मैं यहां से एक सिंपल फॉर्मूला ले रहा हूं, रेडियस प्रोपोर्शनल टू n² / z एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू z² / n², ये आपको बहुत बार काम में आएगा एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। रेडियस प्रोपोर्शनल टू n² / z एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू z² / n². इज इट क्लियर एवरीवन? चलो कॉपी करो फटाफट फॉर्मूला को। इतने फॉर्मूला है बोहर मॉडल में। एक और फॉर्मूला बता दूं आपको? चलो बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे अभी, एग्जैक्ट फॉर्मूला फिजिक्स बताएगा आपको। बड़ा इतना याद रखो बच्चों, नंबर 5, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना आप याद रखो फॉर केमिस्ट्री, कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो उसका जो वेलोसिटी होगा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, क्योंकि जितना ज्यादा जेड है ना उतनी ज्यादा एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना जोर 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 में घूमेगा। हाँ क्या ना? ओके फाइन। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे वैसे 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 भी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी,
ऑब्वियसली उसका घूमना भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। यहाँ पे आपके बोहर मॉडल के सारे फॉर्मूलाज आ चुके हैं। इसके बाद बच्चों आप देखो खाली कि बोहर ने कितना जबरदस्त काम किया है, कितना अच्छे से उसने खुद का जो एटम है वो जो मॉडल है वो डेवलप किया था। एक एक चीज उसने गिन के दिखाई, उसने इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, कितने रेडियस में होगा वो गिन के दिखाया, उसने ये गिन के दिखाया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। इतना एग्जैक्ट काम करने के बाद भी बोहर मॉडल इज टोटल फेलियर, बोहर मॉडल इज टोटल फेलियर। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, कई बार जब आप सब कुछ बहुत अच्छा करने चाहते हो ना, वही पूरा हो जाता है। बोहर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, उसने एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां होगा वो भी गिना, और इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेलोसिटी कितना होगा वो भी गिना, जो उसको नहीं गिनना चाहिए था। क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है ना, उसमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन का पोजिशन एंड एनर्जी दोनों साथ में मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बोहर भैया आपने फॉर्मूला किधर से दिया, आपने तो दोनों चीजें एग्जैक्ट बता दिया, पोजीशन भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी बता दिया, अभी एक्सपेरिमेंट तो ऐसा कहता है कि दोनों साथ में तो मिलना ही नहीं है। तो बोहर बोलेगा आई एम सॉरी माय मॉडल इज फेलियर। फिर उसके बाद बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा जो अभी तक चल रहा है, ओके। पर इसके पहले इसका लिमिटेशन देखते हैं, फिर और दो थ्योरी आएंगे बीच में। चलो लिखो फटाफट, अच्छा okay, limitation of the Bohr's atomic model. चले बच्चों very important theory, पूरा बोहर ही बहुत important exam के लिए ना। limitation of Bohr's atomic model. चले बच्चों सबसे पहली बात के Bohr model is only applicable if there is only single electron. What if there are more than one electron? हाँ, तो Bohr model fail. सबसे पहला लिमिटेशन ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। चलिए दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि जब लाइट स्पेक्ट्रम की बात आती है, एंड वेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वॉज ऑब्जर्व बाई सम वेरी 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 एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रोस्कोप, देन इट वॉज ऑब्जर्व के लाइन स्पेक्ट्रम में जो सिंगल लाइन दिखती थी ना सस्ते वाले स्पेक्ट्रोमीटर से, जब उसको अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखा ना, तो इट वॉज ऑब्जर्व के उस सिंगल लाइन के अंदर भी बहुत फाइन कुछ स्ट्रक्चर है। फाइन स्ट्रक्चर का मतलब एक लाइन के अंदर दो लाइन, तीन लाइन, डबलेट, ट्रिपलेट, ये सब है, राइट। दैट फाइनल फाइनल डिटेल्स और यू कैन से फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल, राइट। लाइन स्पेक्ट्रम का जो डिटेल स्ट्रक्चर है ना, जहां पे डबलेट बने, ट्रिपलेट बने, ये सारी चीजें बोहर मॉडल नहीं समझा सकता है। तो सेकेंड लिमिटेशन इज फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ बोहर मॉडल, राइट। जैसे कि डबलेट, ट्रिपलेट, दिस थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोहर्स मॉडल, राइट। मैं वापस ही चलो बच्चों तीसरी बात। अब जब ये लाइन स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना, उस लाइन स्पेक्ट्रम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, देन लाइन स्पेक्ट्रम्स आर गोइंग टू बी डिफ्रेक्टेड, and that kind of deflections again Bohr model is not able to cover, right. So we will write that point, and that is splitting of spectral line, splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो भी आपका जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्रेड होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज सीमान इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो लाइन स्पेक्ट्रम स्प्रेड होता है ना, उसे कहते हैं सीमान इफेक्ट। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भी लाइन स्पेक्ट्रम जो है ना वो स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार इफेक्ट. दिस बोथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मोर मॉडल. अगेन मोर मॉडल इसको भी समझाने में फेल. राइट ओके. तो पहली बात तो बच्चों एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज का मॉडल नहीं बनेगा. दूसरा जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसका जो फाइनल डिटेल्स है जैसे कि डबलेट ट्रिपलेट ये सारी चीजें भी बोहर मॉडल फेल हो जाता है. तीसरा जब लाइन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक फील्ड में रखो द लाइन स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड एंड दैट थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल. मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगा दैट इज कॉल्ड एज ज़िमान इफेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टार इफेक्ट. बोथ बोहर मॉडल विल फेल टू एक्सप्लेन. राइट ओके. And the fourth is atom combine to form the compound, yes or no? Yes or no? Again Bohr model के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है. How the atom combine to form the compound? Right. So combination of atom to form compound. Cannot be explained by Bohr's model, right? And fifth point आपको बुक में कवर नहीं करके दिया बच्चों, बट मैं फिफ्थ पॉइंट भी कवर करूंगा. Does not match with Heisenberg's uncertainty principle. ये अभी हम सीखने वाले हैं, right? Heisenberg's uncertainty principle जो है ना वो अभी हम सीखने वाले हैं next lecture के अंदर, right? Bohr model Heisenberg के uncertainty principle के साथ भी match नहीं होने वाला है, है ना? तो बहुत बहुत सारे limitation है Bohr model के पीछे की ना. चलो, now let's see how the Bohr model successfully explained the hydrogen line spectrum. तो आपको याद होगा बच्चों हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में रिडबर्ग ने अपना एक इक्वेशन बनाया था. फ्रॉम ऑल द एक्सपेरिमेंटल डेटा रिडबर्ग फॉर्म द इक्वेशन एंड दैट रिडबर्ग इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज रिमेंबर द इक्वेशन 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. रिमेंबर दैट. Remember that, yes or no? ये रिडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट से बनाया था. कहां से बनाया था उसने? फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा. कोई थियोरेटिकल बेसिस नहीं था इसका, जस्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा रिडबर्ग फॉर्म द इक्वेशन. राइट ओके. यू कैन राइट इट जस्ट 1.09677 इनटू 10 पावर 5. इसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई कर लेता हूं बच्चों. सेंटीमीटर इनवर्स. इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनवर्स टू मीटर इनवर्स. If you want to convert this centimeter inverse to meter inverse, then let's see what will happen. This is going to become 1.09. इसको round up करके बच्चों 7 करो, meter में हो जाएगा 10 power 7. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square meter inverse. तो ये तो Rydberg का equation है बच्चों, experiment से बना हुआ. It is the Rydberg equation formed from the experiment, right? अब अगर Bohr का model भी इसको समझा लेना तो बात हो गई. तो बच्चों आपको पता होगा बोहर मॉडल कैसे इसको एक्सप्लेन करने का. बोहर मॉडल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. सो वी नो दैट इन एटम देयर आर एनर्जी लेवल्स ओके एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल इट हैज टू एमिट और एब्जॉर्ब द रेडिएशन. अगर इलेक्ट्रॉन को लो लेवल में से हाई एनर्जी लेवल में जाना है इट हैज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन. अगर इलेक्ट्रॉन को हाई लेवल में से लो लेवल में आना है इट हैज टू रिलीज द रेडिएशन. यस और नो? यस और नो? आगे ना ओके. सो वी विल राइट हियर व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन क्या करेगा बच्चों? वो एब्जॉर्ब करेगा तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा. I am writing in a form of symbols, right? And when electron release radiation,
वो कहाँ जाता है बच्चों, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, जब वो रेडिएशन को रिलीज करेगा तब, राइट। कितना एनर्जी उसको रिलीज या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जितना दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है, राइट। तो मान लेते हैं बच्चों के एक एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन बोथ एनर्जी लेवल, एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन बोथ एनर्जी लेवल। चलो बच्चों मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले ई आई एनर्जी लेवल में है, अब आपका डेरिवेशन होगा बच्चों यहाँ पे, ओके। इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट ई आई एनर्जी लेवल एंड फाइनली इन ई एफ एनर्जी लेवल, राइट। इलेक्ट्रॉन इनिशियली ई आई एनर्जी लेवल में है एंड फाइनली जो है वो इलेक्ट्रॉन सपोज ई एफ में पहुंचा, इनिशियली वो ई आई में है और फाइनली कहां पहुंचा बच्चों, वो ई एफ में पहुंचा, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, तो एनर्जी का डिफरेंस लाइक दिस इज डेल्टा ई, और डिफरेंस क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट डिफरेंस इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डिफरेंस क्या होगा बच्चों आपका, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा, राइट। फटाफट इस इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे, रिडबर्ग इक्वेशन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे आपने नोट्स में लिखा है, ये रिडबर्ग इक्वेशन आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, इज नथिंग न्यू, कॉपी क्विकली, कॉपी दिस रिडबर्ग इक्वेशन क्विकली एवरीवन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर इनिशियल ई आई लेवल से फाइनली ई एफ लेवल में जा रहा है तो दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ई एफ माइनस ई आई, दैट इज डेल्टा ई, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अगर मान लो बच्चों कि आपका फाइनल एनर्जी लेवल ज्यादा है, अगर ई एफ ज्यादा है, अगर आपका ई एफ ज्यादा है मतलब फाइनली ऊपर ज्यादा है उसको हाई लेवल में, अगर ई एफ आपका ज्यादा है बच्चों मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइनली हाई लेवल में जाना है, तो हाई लेवल में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, यस और नो। इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, यस और नो, ओके। तो अगर ई एफ ज्यादा है फाइनली अगर ऊपर जाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन। और अगर मान लो बच्चों के आपका जो ई एफ है वो कम है मतलब फाइनल एनर्जी लेवल कम है, फाइनल इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा तो उसको एनर्जी क्या करना है, एब्जॉर्ब के एमिट। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आना है लो एनर्जी लेवल में तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है कि एमिट करना है, एमिट करना है ना ऑब्वियसली, ऊपर जाना है तो एब्जॉर्ब करना है, नीचे आना है तो एनर्जी को छोड़ देना पड़ेगा वापस, तो ही रेस्को रिलीज है और एमिट द रेडिएशन और रिलीज द रेडिएशन करना है, ओके। नाउ बोहर मॉडल दिया होगा फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, बोहर में बच्चा आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज माइनस 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइड बाय एनएफ लिखूंगा मैं यहां, ये तो फाइनल एनर्जी है ना, राइट। मैं एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया बोहर मॉडल का, नीचे लिखा मैंने एनएफ, एनएफ इज द फाइनल एनर्जी लेवल, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, वापस एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों माइनस 2.18 इनटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइड बाय एन इनिशियल स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों नीचे हम एन इनिशियल स्क्वायर लिखेंगे, समझ आए स्टेप कैसे किया, वो खाली दोनों जगह पे एनर्जी का फॉर्मूला डाल दिया और कोई धार मारा नहीं है अभी तक। चलिए अब इसको करेंगे बच्चों सिंप्लीफाई, राइट। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे, आई कैन टेक 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 कॉमन, ओके। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा तो एनआई स्क्वायर आगे आ जाएगा और ये माइनस वाला टर्म आप पीछे रखो। अब यहां पे बच्चों जो भी एनर्जी आपका डिफरेंस है, जो भी एनर्जी का डिफरेंस है वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है, यस और नो। जो भी एनर्जी का डिफरेंस है वो या तो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हुआ है या तो रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ है, बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। और रेडिएशन का एनर्जी हमें पता है बच्चों क्या फॉर्मूला है रेडिएशन के एनर्जी का, एक्स सी बाई लैम्डा, यस और नो।
Okay, so instead of this angle difference, I will write HC by lambda. What is this? This is the energy of emitted or absorbed radiation. और उसको आप वेवलेंथ के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा। सही है कि गलत? सही है कि गलत? सही है, ऑब्वियसली सही है, राइट। चलिए ये एच सी को आप नीचे ले लो बच्चे, ये एच और सी दोनों के मैं यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ, यहाँ बच जाएगा वन बाई लैम्डा। क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे आपका वन बाई लैम्डा बचेगा। यस और नो? जो आपका एच सी बाई लैम्डा है बच्चों, उसमें से मैंने एच सी को नीचे ले लिया, यहाँ बचा आपका वन बाई लैम्डा। समझ आया आपको? इतना समझ आया क्या किया? इस एच सी बाई लैम्डा, एच एंड सी दोनों डिनोमिनेटर में आ गए, बच्चा वन बाई लैम्डा। अब एच और सी का आप वैल्यू डालेंगे बच्चे इसके अंदर। आप जैसे ही एच और सी का वैल्यू डालेंगे ना, व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। एच का वैल्यू होता है 6.626 इनटू 10 पावर -34, सी का वैल्यू होता है 3 इनटू 10 पावर 8, 1 अपॉन एनएच स्क्वायर -1 अपॉन एनएच स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा बताऊं? 1.097 इनटू 10 पावर 7। और ये तो वही इक्वेशन है जो रिडबर्ग ने दिया था, ये तो बच्चों वही इक्वेशन है जो रिडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। यस और नो? यस और नो? तो रिडबर्ग ने जो इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से बनाया था ना, वही सेम इक्वेशन बोहर के थियरी से भी प्रूव हो रहा है। मतलब होता है कि बोहर थियरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ आया बच्चों आपको? समझ आया आपको पूरा थियरी क्या है? वो जो चीज रिडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट से बना के दिखाई थी, वही चीज जो है वो बोहर ने थियरी से भी प्रूव करके दिखाया, राइट। के हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला जो है वो रिडबर्ग ने बताया था, वही था, राइट। सो आई विल राइट हियर, दिस इज सिमिलर टू रिडबर्ग इक्वेशन। फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन,